मैं वेख लिया दर्जेड़ा, सारी दुनिया उसनू कहती मेरे सोटी जी दा डेरा। मां बापू दे नाल गई मैं, एक तीर्थ तकिया प्यारा, ओ वटिया पागा वाली होगी नी, मेरा लूलू खिड़ गया सारा। रंगी गई जिंद तेरिया रंगा विच सोटी सतगुर मेरिया, रंगी गई जिंद तेरिया रंगा विच सोटी सतगुर मेरिया। सीना ठंडा ठार हो गया, कैसा खून नैना ने गेड़िया। रंगी गई जिंद तेरिया रंगा विच सोटी सतगुर मेरिया, रंगी गई जिंद तेरिया रंगा विच सोटी सतगुर मेरिया, रंगी गई जिंद तेरिया रंगा विच सोटी सतगुर मेरिया, रंगी गई जिंद तेरिया रंगा विच सोटी सतगुर मेरिया। एक स्कूल विच पढ़ती बच्ची छुट्टियां होण करके अपने मां बापू नाल मत्था टेकण सोडी पातशाह दे दरबार ते जांदी आ। बच्चियां नूं घुम्मण फिरन दा बड़ा चाह हुंदा, पर जे घुम्मदिआं फिरदिआं कोई सच्चा मार्ग लभ जावे तां जिंदगी सुधर जांदी है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अज असीं अपने बच्चियां तों बचपन खोह लिआ है, खेडण दे फिरन तुरन दे दिन पढ़ाई विच बीत जांदे हन। जवानी ब्याह ने लै ली, बुढ़ापा दुखा ने लै लिया, खैर वो बच्ची सारा सीन जो पहाड़ा विच उसने सोढ़ी पातशाह दे दरबार दा घूम के वेख्या, वो अपनिया सखियां नूं दसदी है कि मैं उहदे रंग विच रंगी गई सोढ़ी पातशाह दे। की कह रही है, रंगी गई जिंद तेरिया पहाड़ा की सैर करना, पर पता नहीं जदों मैं नहरिया तो हेठा वल पहाड़ी तो थले उतरी मेरे मन विचों प्रेम दिया आवाजा गूंजिया, ता सबैकी मेरे मुंह विचों जय बाबे दी निकल गई। मैं हैरान हो गई, किसे चीज ने हलूणा मारिया, मैं ताड़ी मार मार जय बाबे दी कहन लग पई। मेरे मां बापू बड़े खुश होए, वो भी उची उची जय बाबे दी कहन लग पे। असी जय बाबे दी करते तौली धार ते पहुंच गए, फिर उत्थों दा जो नजारा वेख्या वो अज भी मेरिया अखां अगे घूम रहा है। हुण ते दिल करदा जदों फिर कितें छुट्टियां होण ते फिर सोढ़ी पातशाह दे दर्शन करके आवां, क्योंकि मेरा मन उहदे रंग विच रंगिया गया है। की कह रही है, मेरा दिल करदा मैं फेर घूमण लई जावां।
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਮੰਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਹੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਇਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।